हेलो दोस्तों, कुकिंग विद राखी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उपमा, सूजी का उपमा, जिसके लिए मुझे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे। से मैंने 3 प्याज ली है और इसमें 4 एक सूखी लाल मिर्च, अदरक थोड़ा सा टुकड़ा और मीठे नीम के पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च, हींग, और मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरह से 1/4 मूँगफली को थोड़ा सा उसे क्रंच कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा जैसे चने की दाल डालती है तो मूँगफली भी ऑप्शन है, मैं मूँगफली डाल रही हूँ। और मेरा तेल, नमक और पानी लगेगा इसमें। मैंने 2 कप सूजी ले रही हूँ, मैं इस कप के नाप से मैं 2 कप सूजी ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं इसे, सिर्फ 2 कप सूजी का उपमा बनाऊँगी मैं। और थोड़े से मेरे राई जीरे डालेंगे, बस इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ उपमा बनाना। मैं जब तक अपना प्याज काटूंगी तो मैं अपना गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, जिसमें मैं तेल डाल के जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी मैं अपना प्याज काट लूँगी। मैंने अपनी कढ़ाई में तेल डाल लिया है, तेल अपने उसके हिसाब से रखिए जैसा आपके घर पसंद किया जाता है। उपमा में थोड़ा तेल ज़्यादा ही चाहिए, लगभग 4-5 चम्मच है अपना बड़े तेल। दोस्तों, मैंने मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, मूंगफली ली है, लाल मिर्ची, प्याज, ये सब लिया हुआ है इसमें। सबसे पहले मैं तेल में अपने मीठे नीम के पत्तों को तल लूँगी इस तरह से। ये मुझे लास्ट में उपमा को सर्व करने में ऊपर से देना है, क्योंकि आज मेरे पास हरी धनिया नहीं है, हरी मिर्ची नहीं है, तो मैं इसी का सॉस डुब दूंगी, मीठे नीम के पत्तों का। एक लाल मिर्च भी है, उसको भी मैंने ऐसे तेल में सेक लिया है। तेल मेरा अच्छा गर्म है, गैस की फ्लेम में लो ही रखूंगी। सबसे पहले मैं अपने तेल में राई तड़काऊंगी, छोटी राई, जीरा डालूंगी, यहीं पे मैं हींग भी मैं डालूंगी थोड़ा सा, और मीठे नीम के पत्ते इसमें तेल में भी अपने डालूंगी, और लाल मिर्ची के टुकड़े थोड़े से मैंने जो लिए थे 2-3-4 उसको तोड़ कर डालूंगी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर उपमा में देते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्ची नहीं तो लाल मिर्ची भी बहुत शोभा लगती है उपमा में। यही मैंने रफली जो अपना मूंगफली किया हुआ था कुटा हुआ, उसको मैंने डाल दिया है। अगर आपको मूंगफली नहीं खाना है तो आप इसको स्किप करके इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है उपमा में खाने में, दांतों को क्रंची देती है। यही मैंने अपना प्याज ऐड कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी धीमी आंच में। प्याज को सिर्फ मुझे भूनना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। उपमा में थोड़ी कच्ची प्याज ही खाने में अच्छी लगती है। यहीं पे मैं थोड़ा सा मोटा दरदरा काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, थोड़ी सी पिंच में अपनी हल्दी भी डालूंगी, ज़्यादा हल्दी मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, उपमा में ज़्यादा हल्दी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहीं पर मैं किसा हुआ अपना अदरक डालूंगी। आज मेरे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं है, आपके पास जो चीज़ है उसमें बनाएं। कटा हुआ अदरक मैं बिल्कुल नहीं डालती, किसनी में किसा हुआ दांतों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और कटा हुआ मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। यहीं पे मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, उपमा में ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए नमक कम ही डालें। यहीं पे मैं अपना भुना हुआ सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी मैंने पहले से भून के रखी हुई है, इसके रखने से ये बहुत जल्दी बनती है उपमा, ऐसा सूजी को हमेशा भून के रखें। दोस्तों, मेरा ये उपमा ऐसे धीरे धीरे धीमी आंच में भून रहा है, देखिए इसमें प्याज सब चीज़ें डली हैं, कितनी अच्छी लग रही है।
मीठे नीम के पत्ते, आज मैंने इसमें मिर्ची, हरी धनिया कुछ भी नहीं डाला, हरी मिर्ची धनिया जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी में काम किया है। अगर आपको मूंगफली नहीं खाना है तो आप चने की दाल भी इसमें डाल सकते, वो भी अच्छी लगती है। तो मैं आज चने की दाल डाल के नहीं बना रही, मूंगफली डाल के बना रही हूँ आज मैं, वो भी दांतों में क्रंची लगता है खाने में। तो इस तरीके से मैं भूंज रही हूँ सर। दोस्तों इस तरह आप मेरा उपमा ऐसे मैं भूंज रही हूँ, जब ये अच्छा भूंज जाएगा तो मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, तब जाके मेरा उपमा कंप्लीट होगा। और एक ट्रिक बता रही हूँ, जल्दी बहुत जल्दी बनता है अगर आपकी सूजी पहले से भुनी हुई रखी हुई हो, स्टोर की हुई, तो ये इसको बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। मेरी सूजी भी भुनी हुई है, मुझे भी ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये सबसे अच्छा नाश्ता है अगर आपको जल्दी बहुत लेट हो रहा है तो फटाफट बनाने के लिए। दोस्तों मेरा उपमा ऐसे धीमी आंच में धीरे धीरे भूंज रहा है, इसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है जैसे होटल रेस्टोरेंट ढाबा में आप खाते हैं ना उस तरह का इसका कलर दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बनके तैयार होगी दोस्तों, देखिएगा अब भूंज गया है। अब मैं इसको, उपमा तभी कम्प्लीट होगा जब मैं इसको पानी डाल के इसको बनाऊँगी। अब मैं धीमी आँच में पहले थोड़ा कम कम पानी डाल के इसको इस तरह से बनाऊँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी मैं। ये इसका बनाने का ट्रिक है, तभी अच्छी बनती है। एक साथ आप पानी डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। धीमी आंच में इसको आप इस तरह से पकाते जाइए। मेरा एक गिलास भी पानी इसमें नहीं लगा दोस्तों, देखिए पानी मेरा बच गया है। अब इसी को मैं धीमी आंच में इस तरह से पकाती जाऊंगी कि ये बहुत अच्छा सूख के बढ़िया उपमा का रूप ले लेगा। दोस्तों मैंने अपने गैस की फ्लेम तेज कर ली है, अब मैं उपमा को बना, देखिए इस तरीके से ये खुलता जा रहा है धीरे धीरे, इसका पानी धीरे धीरे इसमें जब जाएगा ना तो ये उपमा बहुत अच्छा खुला खुला खिला खिला बनेगा। इसको अब मुझे भूनना है थोड़ा सा इसमें, जब तक इसका तेल इसमें ऊपर ना आने लगे। देखिए दोस्तों मेरा उपमा इस तरह से खिला खिला बन गया है ये। अभी मैं इसको भी और थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, भूंज रही हूँ, जिसमें इसका पूरा पानी अच्छे से उड़ के सूजी का पूरा फ्लेवर आएगा उपमा में जिसकी हम बना रहे हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये अपना पूरा उपमा जैसे बाजार में मिलता है ना हमको, और कलर भी मैंने इसका ज़्यादा पीला नहीं किया, ज़्यादा पीला कर दे तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। अब इस तरह से देखिए इस तरीके से पूरा दिख रहा है, मेरी मिर्ची, मीठा नीम के पत्ते, मूंगफली सब इसमें अब पूरा अच्छे से ऊपर दिखाई दे रही है, मतलब मेरा उपमा बनके तैयार हो गया है। मैं इसमें इसका गैस का फ्लेम अब बंद कर देती हूँ और एक बाउल में आपको सीधे निकाल के दिखाती हूँ मेरा उपमा। इस तरीके से ये खुला खुला देखिए आ रहा अपने आप ही, मुझे इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इस तरीके से कढ़ाई मेरी गर्म है, इस तरीके से लाल मिर्चियाँ भी ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, मीठे नीम का पत्ता, ये सब देखने में उपमा को चार चांद लगा रहा है। दोस्तों मेरा उपमा बनके पूरा तैयार हो गया है, देखिए देखने कितनी अच्छी लग रही है। मैं ऐसे सिंपल पहले बिना प्लेटिंग के आपको प्लेट घुमा के दिखा रही हूँ, पूरा ऐसे बिल्कुल खुला खुला दिख रहा है, आप खुद देखिए चम्मच से, आप जैसे एक बाइट उठाएंगे तो आप देखिए उपमा पूरा खिला खिला दिखेगा। अब मैंने यहीं पे जो मीठे नीम के पत्ते और मिर्ची डली थी अपनी, मैं इस पे, वैसे तो हमारी इसमें मिर्ची पहले ही डली हुई है लेकिन मैं इसके पत्ते, मेरे पास आज हरी धनिया नहीं है तो इसके पत्ते इस पे फैला दूंगी इस तरीके से। यहीं पे एक लाल मिर्च रख दूंगी और एक नींबू भी रख दूंगी साथ में, जिसमें अगर किसी को चाहिए उपमा में किसी की इच्छा रहती है तो वो ले सकता है। और मेरा उपमा बनके तैयार हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मेरा उपमा आप आज आपके लिए नाश्ते में मैंने बनाया है अपने घर के लिए और आप सभी के लिए भी। तो थैंक यू फॉर कुकिंग विद वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और मुझे बताइए वीडियो कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।